हमारे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। वो पैसा जो दिल्ली की सरकार ने बजट में पास किया नहीं दिया, उसकी मांग करने के लिए लगभग 3 लाख से भी ज्यादा लोग अपने घरों के बाहर एक जन जागरण आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन इस 13,000 करोड़ रुपया जारी करने का हमने एक आज वीडियो भी लॉन्च कर रहे हैं, जो सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे तो भेजेंगे ही, लेकिन दिल्ली के हर व्यक्ति हर घर तक ये वीडियो जाएगा और बताएंगे कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार, आम आदमी सरकार, उनके हक पर किस प्रकार से डाका डाल रही है। मैं हर्ष जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले कहूंगा एक बार वो वीडियो प्ले कर दें। वो 1.5 मिनट की वीडियो है और इस वीडियो में के माध्यम से बताएं कि किस प्रकार से दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के हकों पर डाका डाल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, लेकिन वो मेयर हैं।
और दुर्भाग्यवश दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की सरकार है वह आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके मन में दिल्ली की जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, केवल बड़े बड़े वायदे करना और बड़े बड़े विज्ञापन देना। जो भारत के संविधान की धारा 243 केजरीवाल सरकार को ये कहती है कि आपको दिल्ली का फाइनेंशियल कमीशन बनाना पड़ेगा, वो उन्होंने बनाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, और जो पांचवा फाइनेंस कमीशन बनता है दिल्ली की सरकार बनाती है और उसकी अनुशंसाएं रिकमेंडेशंस ये आती है कि टैक्स पेयर्स का 12.5% म्युनिसिपैलिटीज को देना चाहिए उनके दैनिक खर्चों के लिए, उनके जो भी खर्चे बनते हैं। हमारे जो दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट है उसके अंतर्गत म्युनिसिपैलिटीज के जिम्मे कुछ काम है जो म्युनिसिपैलिटीज को ही करने हैं, जैसे स्वच्छता का काम है, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, पांचवी तक की एजुकेशन का काम म्युनिसिपैलिटीज को दिया गया है, हॉर्टिकल्चर पार्कों का रखरखाव, कम्युनिटी सर्विसेज में कम्युनिटी सेंटर्स का रखरखाव, नालियों की, सड़कों की मेंटेनेंस, ये सारा काम म्युनिसिपैलिटीज को करना होता है। तो इन सब कामों को करने के लिए लगभग 2,00,000 कर्मचारी दिल्ली के अंदर म्युनिसिपैलिटीज में एम्प्लॉय हैं। उन कर्मचारियों की सैलरी देना है, उन कर्मचारियों में से जो रिटायर हो जाते हैं उनकी पेंशन देना है, ये काम भी म्युनिसिपैलिटीज को ही करना है। जो स्वच्छता को लेकर के रोज गलियों की, सड़कों की, पार्कों की सफाई होती है, ये सारा काम म्युनिसिपैलिटी के जिम्मे है। आपने देखा होगा जब एक बार स्ट्राइक कर्मचारी भाई बहन हैं, अगर उनको उनका वेतन नहीं मिलेगा, जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को अगर वेतन नहीं मिलेगा तो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा, उनके घर में कोई दुख है, बीमारी है, उनको डॉक्टर से दवाई कैसे मिलेगी, उनके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। और जो गरीब बच्चे, हमारे 10,00,000 बच्चे म्युनिसिपैलिटीज के पांचवी तक के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको कॉपी देना, किताब देना, वर्दी देना, और यहां तक कि जो केंद्र सरकार की योजना है उनको मिड डे मील देना, न्यूट्रिशियस मिड डे मील देना, ये सारा काम भी म्युनिसिपैलिटीज करती हैं। जो 12.5% का पैसा म्युनिसिपैलिटीज को, राज्य सरकार को, दिल्ली सरकार को, केजरीवाल साहब की सरकार को देना चाहिए, वह पैसा वह जानबूझकर राजनीतिवश, ताकि दिल्ली की म्युनिसिपैलिटीज के खिलाफ षड्यंत्र करके उनको पंगु बनाने का काम लगातार केजरीवाल साहब कर रहे हैं। इसी कारण से पिछले दिनों हमारे 30 पार्षद, जिसमें तीनों महापौर ने अगुवाई करी, और वे लोग केजरीवाल साहब के घर के बाहर बैठे रहे उनसे मिलने के लिए, वो मिलने के लिए भी नहीं आए, उनसे यहां तक भी कहा गया कि आप अपने अधिकारियों को बुला करके हिसाब किताब कर लीजिए, ये जो 13,000 करोड़ रुपया है ये हिसाब किताब के अंतर्गत निकलता है और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे इस साल का जो पैसा देना था उसका अब तक दिसंबर खत्म होने जा रहा है, 3/4 पैसा दे देना चाहिए था, केवल 25% पैसा भी नहीं दिया गया अब तक। इसी कारण से सफाई कर्मचारियों की, डॉक्टर्स की, इन सबकी सैलरीज रुकी हुई है। जब तक ये पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक ये सैलरी नहीं दी जा सकती। जो वृद्धावस्था पेंशन है, 60 साल के बाद जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो किसी तरह से इस बात के लिए सरकार पर निर्भर होते हैं कि उनको पेंशन मिले, विधवाओं को पेंशन दे सके, पहले कॉर्पोरेशन देती थी लेकिन अब नहीं दे पा रही, उन लोगों को जो 2,000 रुपए महीना पेंशन मिलनी चाहिए थी, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को, वो पेंशन भी नहीं दी जा पा रही। इसके अलावा कुछ टैक्स एमसीडी कलेक्ट करती है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स और कन्वर्जन टैक्स भी दिल्ली सरकार ने लगाया, और जिसका जिम्मा ये म्युनिसिपैलिटीज के जिम्मे आया कन्वर्जन टैक्स। कन्वर्जन वो टैक्स है जब प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉलोनीज में जो दुकानें थी
उनको कन्वर्ट करने के लिए एक टैक्स तय किया गया जिसको कन्वर्जन टैक्स बोलते हैं। वो टैक्स भी म्युनिसिपैलिटीज एमसीडीज माफ करना चाहती लेकिन जब तक ये 13,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा या जो प्रतिवर्ष हमें 12.5% टैक्स पेयर्स के पैसे में से मिलना है वो नहीं मिलेगा तब तक किसी भी रिलैक्सेशन की उम्मीद एमसीडी से नहीं की जा सकती। जो हाउस टैक्स का पैसे की बात करते हैं तो हाउस टैक्स लेना म्युनिसिपैलिटीज का काम जरूर है लेकिन म्युनिसिपैलिटीज उसको टैक्स को बढ़ाना नहीं चाहती। जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी रिपोर्ट दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई है उसमें भी हाउस टैक्स को बढ़ाने की बात की गई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का पत्र कमिश्नर्स को आता है कि अगर आप हाउस टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो हम आपको गरीब जो कर्मचारी भाई बहन हैं उनके वेतन का पैसा नहीं देंगे। आप सोचिए क्या कैसी मानसिकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री की। इस कारण से नहीं तो म्युनिसिपैलिटी ये चाहती है जो 50 गज से नीचे के मकान हैं उन मकानों को हाउस टैक्स माफ कर दें। हम बिल्कुल माफ करना चाहते हैं, हमारे तीनों महापौर इस बात को चाहते हैं कि जो 50 गज से नीचे के मकान है उनसे आप हाउस टैक्स ना लें, उनका हाउस टैक्स माफ कर दें। और हम करना भी चाहते हैं, ऐसे ही हम कन्वर्जन टैक्स को भी खत्म करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि उन छोटे दुकानदार भाइयों से हम कन्वर्जन का टैक्स लें क्योंकि ये पिछले 10 साल का लेने का तय कर दिया था दिल्ली सरकार ने। जब तक ये 12.5% का शेयर ग्लोबल शेयर दिल्ली सरकार म्युनिसिपैलिटीज को नहीं देगी तब तक म्युनिसिपैलिटीज ना तो अपने जो उनके काम है वो अच्छे से कर पाएगी और ना ही इस तरह के टैक्स जो 50 गज से नीचे वाले मकान हैं उनको जो माफ करना चाहती है म्युनिसिपैलिटीज ना ही वो माफ कर पाएगी। इसी विषय को लेकर के जो दिल्ली सरकार ने केजरीवाल साहब की सरकार ने कोई लाभ दिल्ली की जनता को होने वाला नहीं है, केवल और केवल केजरीवाल साहब का चेहरा दिल्ली की जनता के सामने जा रहा है। हमने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ने यह तय किया है कि दिल्ली के प्रत्येक बूथ पर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जन जागरण अभियान 3 जनवरी को करेंगे सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक या 2 बजे तक, जिसमें जन जागरण अभियान में लेकर के अपने घर के बाहर बड़े प्ले कार्ड 13,000 करोड़ रुपए के लेकर के खड़े होंगे, जनता को शांतिपूर्ण तरीके से ये बताएंगे कि ये 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने म्युनिसिपैलिटीज को देना है जिसके कारण से आपकी ये सड़कों की मरम्मत ठीक से नहीं हो रही, आपके ये जो पार्क है इनका रख रखाव ठीक से नहीं हो पा रहा, जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी सैलरीज, डॉक्टर्स की, कोरोना वॉरियर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं। और ये जो पत्रक अभी आपने देखा है इस पत्रक को लेकर के घर घर हमारे 2 लाख के करीब कार्यकर्ता, जिसमें इस बार IWA ने भी हमें पूरा सहयोग देने की बात की है, धार्मिक कमेटियों ने भी हमें पूरा सहयोग देने की बात की है, ये सारा पत्रक लेकर के इस पत्रक में बड़ा साफ लिखा है कि 13,000 करोड़ रुपए क्यों देना है दिल्ली की सरकार ने और उसकी क्या क्या आवश्यकता है। जन जागरण अभियान के तहत 3 जनवरी को सुबह 11 बजे से 1-2 बजे तक हमारे कार्यकर्ता RWA के लोग सब लोग मिलकर के जनता के बीच में जाएंगे और ये पत्रक एक एक घर में जाएगा, एक एक व्यक्ति तक जाएगा ताकि केजरीवाल सरकार का, केजरीवाल साहब का जो षड्यंत्र है दिल्ली की नगर निगमों को पंगु बनाने का वह जनता के सामने हम उनकी पोल खोल सकें।